हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्लास नाइन्थ का इतिहास है, फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर वन है। यहाँ आप देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आप तक वीडियो पहुँचते रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लुई सुलावा कब राजगद्दी पर बैठा। ऑप्शन ए है 1774 ईस्वी, 1764, 1774 और 1784 और 1774। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें एक 1874 है। चलिए ऑप्शन इसका बताइए कौन सा है। तो लुई सुलावा कब बैठा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, लुई सुलावा जिस समय बैठा था उसकी उम्र 20 साल थी। उसकी उम्र कितनी थी, 20 साल थी, और ये राजगद्दी पर बैठा हुआ था और ये किस राजवंश से थे, बुर्गो राजवंश से आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एंटोनेट कहाँ की महारानी थी। एंटोनेट कहाँ की महारानी थी, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चेक या फिर ऑस्ट्रिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये एंटोनेट किन की पत्नी थी, लुई सुलावा की पत्नी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटे थे, तो ये तीन स्टेट में बटे थे। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन, तीसरा था ये तृतीय स्टेट था, उसमें गरीब किसान वगैरह कर्मचारी वगैरह सब आते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, टाइड, देखिए ध्यान से देखिएगा वर्ड, एक होता है टाइल, एक होता है टाइड और एक होता है टाइल, तो टाइड यहाँ पर पूछ रहा है। टाइड किस प्रकार का कर है, कर मतलब टैक्स, प्रत्यक्ष, धार्मिक, अप्रत्यक्ष या नन ऑफ दीज, तो टाइड हमारा धार्मिक कर है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, एक होता है टाइल और एक होता है टाइड, तो द के बाद आता है ध, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, द के बाद आता है ध। ठीक है, तो टाइड और ध, धार्मिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जॉन लॉक, मांतेक, बाल्टेयर या फिर नन ऑफ दीज, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जॉन लॉक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है, मिराबो और आबे सीए ने किसका नेतृत्व किया था। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल असेंबली, बी है प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय आंदोलन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है नेशनल असेंबली। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मिराब और आबे सीए किस स्टेट से आते थे, तो बता दे रहे हैं कि मिराबो का जन्म हुआ था कुलीन वर्ग में हुआ था और आबे सीए ये पादरी वर्ग के थे। ठीक है, फिर भी इन्होंने आंदोलन किया था नेशनल असेंबली मतलब तृतीय स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन है, बास्तिल पर कब हमला किया गया। बास्तिल एक किला था, वहाँ पर कब हमला किया गया, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट है, 1789 को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। ठीक नाम, क्वेश्चन नंबर हमारा एट है, फ्रांस एक गणराज्य कब बना था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1788 से लेकर के 89 तक, 1789 से लेकर 90 तक, 1792 से लेकर 93 या फिर 1794 से लेकर के 95, तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1792 से 93। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, फ्रांस स्वतंत्र दिवस कब वो मनाता है। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन बता सकते, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है कि वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई, ऑप्शन है 1792, 1815, 1915 या फिर 1804, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्सिले, मासूल, रेंद पेरे या फिर वार्सिलोना, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही है, मार्सिले। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी जो अभी आप पूछे पीछे कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बता सकते हैं, चलिए हम कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, ये 14 जुलाई 1879 को इसका
स्वतंत्र दिवस मनाता है। 14 जुलाई 1889 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेकोबिनो को किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हैं ऑप्शन ए सोकुलांग, मार्सिले कॉन्वेंट या फिर कार्डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। ठीक है, सोकुलांग का मतलब होता है बिना घुटने वाला, तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो सिर्फ आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं देख रहे हैं तो, ठीक ना, ताकि हमें पता चले। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सन 1793 से 1794 के काल को क्या कहा जाता है? भला इसको कौन भूल सकता है? ठीक है, आपको आंसर पहले ही पता चल गया होगा, आतंक का युग इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्टरी में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 2, 5, 7 या 12। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1789, 1790, 1792 और 1794। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर डी 1794। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, हम सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी मूल के दासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निग्रो, जिप्सी, कुलांत या नोबेल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, निग्रो कहा जाता है। ठीक है, निग्रो ऐसे पहले वर्ड इसका यूज किया जाता था जिसका मतलब था काले लोग वहाँ के, क्योंकि दक्षिण सहारा रेगिस्तान है, ये दक्षिण में अफ्रीका में है और वहाँ तीनों लाइनें वहाँ पर हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए इस वर्ड एक गलत सेंस में होता था, अब इसको नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है इसमें से? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर या फिर जॉन लॉक। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, रूसो। ठीक है, अगर ये इस मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो ये लिखे थे द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा। आज था हमारा आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।